छत्तीसगढ़ कांग्रेस द्वारा सोमवार 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस भरोसा यात्रा की शुरुआत की गई। गांधी जयंती पर सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भरोसा यात्रा निकाली गई। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भरोसा यात्रा में शामिल होने पाटन विधानसभा के ग्राम सेलुत पहुंचे, जहां राजगीत के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस भरोसा यात्रा को संबोधित करते हुए नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण, पीएसपी मामला, धान खरीदी और किसानों को मिलने वाले बोनस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। भरोसा यात्रा ग्राम सेलू से प्रारंभ होकर गाड़ाडीह, जामगांव, रानीतराई होते हुए पाटन पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुलेट चलाते हुए भरोसा यात्रा का नेतृत्व किया। आज गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती और ऐसे अवसर में ये पाटन की धरा, सेलूत की धरती, जहां अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जन्म लिए और देश की आजादी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निसार किया, ऐसे सेलूत और पाटन की धरती को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के उनके सदस्यों का सम्मान किया। हम लोग पहले जब आते थे तो सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते थे, उसके घर में जाते थे, उनका अनुभव सुनते थे। आज समय बीता, अब वो हमारे फ्रीडम फाइटर नहीं रहे, उनके परिवार के लोग हैं, उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, ये देश की आजादी गांधी जी के नेतृत्व में लाखों लाख भारतवासियों ने उनका साथ दिया, और जिसके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था उसे देश छोड़ के भागना पड़ा। महात्मा गांधी ने न केवल देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण उनका योगदान रहा है। एक तरफ महिलाओं को सम्मान, उनको अधिकार दिलाने, उनको शिक्षा दिलाने का काम महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, वहीं जो मेहनत करने वाले लोग हैं, श्रम करने वाले लोग हैं, उनका भी सम्मान महात्मा गांधी ने किया। जो किसान हैं उनको उनको अधिकार मिलना चाहिए, जो सफाई कर्मी हैं उसको सम्मान मिलना चाहिए, और जो बुनकर हैं, जो सूत काटते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए, और उस सूत काटने वाले की जो चरखा है उसे आजादी के लड़ाई का प्रतीक उन्होंने बना दिया, चरखा। तो श्रम का, मेहनत का सम्मान गांधी जी ने किया। महिला अपने सर पे ढोते थे, झाड़ू अपने हाथ से लगाते थे, किसानों के साथ मिलकर काम करते थे, उसका आंदोलन करते थे। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की बात कही, उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान में 7 लाख जो गांव हैं, जब तक के स्वावलंबी नहीं बनेंगे तब तक के असली आजादी नहीं मिलेगी, और उसके लिए उन्होंने योजना बनाई, कार्यक्रम दिए। कितने नेताओं ने उसके रास्ते पे चलते हुए समाज सुधार, आर्थिक सुधार, भूमि सुधार, कितनी योजनाएं उन्होंने चालू की, आज हम उन्हें याद करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर विधानसभा में विशेष सत्र हमने आमंत्रित किया, और उसी दिन फैसला किया
पाटन के सांकरा गांव में महात्मा गांधी के नाम से हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी प्रारंभ करने, उसी दिन हम लोगों ने 5 फैसले किए जिसमें कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी बच्चा कुपोषित न हो, कोई भी महिलाएं कमजोर न हो, प्रदेश में पहले कुष्ठ उन्मूलन का अभियान चला था, हम लोग मलेरिया उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा में सबका अधिकार होना चाहिए। आज हमारे गांव में जितने स्कूल है उसका संधारण करने का काम, और साथ ही हमारे गरीब के बच्चे, किसान के बेटे, उनकी बेटियां भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई करे, निःशुल्क शिक्षा। आज हमारे किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार, तो ऋण माफी भी किया, नहर भरना भी माफ किया। 2500 क्विंटल में खरीदी का वादा था, अब तो 2640 रुपए में। 1 नवंबर को किस्त मिलने वाला था, हमने अभी 28 तारीख को खड़गे साहब आए, उनके हाथ से बटन दबवाए और सब किसानों के खाते में 24,50,000 किसानों के खाते में पैसा गया सीधा। चल हो गया, चल सामने मत जाना। हट जा।